चलें, आज हम देखेंगे गूगल डॉक्स के बारे में। तो गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव, ये दो क्या सर्विसेज है? देखिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, एमएस ऑफिस को आप अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल ऑन योर लोकल कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है, इन दोनों पे इंस्टॉल होता है। इनमें एक लोकल हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, लोकल का वर्ड होता है जिसमें उसमें लगी हुई है हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। तो अब क्या होता है कि ये जब इंस्टॉल हो जाता है तो इसको हम ऑफलाइन मोड में यूज करते हैं, ऑफलाइन वर्जन है इसका, मतलब इसको आप ऑफलाइन मोड में यूज कर ले। ऑफलाइन मोड का मतलब ये होता है कि भले आपके पास इंटरनेट है नहीं है, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, आप चलाएं आपकी फाइल्स आपके कंप्यूटर में, सही, ये बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको विदाउट इंटरनेट यूज कर सकते हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं, और डेटा अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, इनसाइड लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, आपके पास ये होगा तो डेटा अवेलेबल है, अदरवाइज डेटा अवेलेबल। फिर आता है क्लाउड, तो बोलो क्लाउड, CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं गूगल ड्राइव की और गूगल डॉक्स सर्विसेज की, तो ये क्या है? बेसिकली गूगल ड्राइव भी एक हार्ड ड्राइव है जो एसोसिएटेड है जीमेल के साथ, आपकी जीमेल आईडी के साथ, और फ्री आपको देती है 15 GB ऑफ स्पेस, ठीक है, 15 GB तो स्पेस में मिल रहा है फ्री में, लेकिन अगर आपको 100 GB चाहिए तो आपको 250 पर मंथ सेल करना होगा, पे करना होगा इसको, ठीक है, तो 100 GB का स्पेस मिलेगा। अब ये जो स्पेस है भाई, देखो ये वाली हार्ड डिस्क तो कहाँ लगी हुई है, आपके लैपटॉप में, और ये वाली हार्ड डिस्क कहाँ लगी हुई है, ये कहाँ लगी हुई है, ये वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है किसी कंप्यूटर पे, कोई एक कंप्यूटर, ये भी है मतलब इनसाइड कंप्यूटर दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, कहाँ अवेलेबल है वो, इंटरनेट में, डेट इज ऑलवेज ऑन एंड स्टे कनेक्टेड, और वो कनेक्टेड ही कनेक्टेड है, ऑफ होता ही नहीं है, ठीक है, तो आपका डेटा इसमें सेव होगा। और ये कहाँ पर है, ये कहीं भी क्लाउड पर है। अब वो मैंने कंप्यूटर की मिसाल दी है तो इसको हम आसान वर्ड में बांध देते हैं, कहाँ पर है, क्लाउड पर है, और क्लाउड पे हमें डेटा अवेलेबल होगा किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए, ठीक है ना। तो गूगल ड्राइव पे जो भी डेटा होता है वो अवेलेबल होता है एनीवेयर, गूगल ड्राइव का जो भी डेटा है अवेलेबल अवेलेबल एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस पर कहीं भी अवेलेबल है, चाहे वो स्मार्टफोन है, चाहे वो क्रोमबुक है, चाहे वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और आने वाले वक्त में कोई और डिवाइस आती है, सब पे अवेलेबल होता है, ठीक है, किसके जरिए अवेलेबल होता है, जीमेल आईडी के जरिए, ठीक है, समझ में आ गई है बात। अब गूगल डॉक्स क्या है, गूगल डॉक्स एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, किसकी तरह भाई, लाइक एमएस वर्ड, ठीक है, पर फर्क क्या है, ये एक्सेसिबल होगा, आप इसको यूज कर सकेंगे, एक्सेसिबल होगा बाय वेब ब्राउजर, किसके, वेब ब्राउजर के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकेंगे, और जब ये एक्सेसिबल है वेब ब्राउजर के जरिए तो फिर आपको इसको वेब ब्राउजर में ही चलाना होता है, और इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के बगैर तो आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई सबके, क्लियर हो गई अच्छे तरीके से। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, अब देखें, सबसे पहले आपने अपना प्रोफाइल का सेटअप तो किया हुआ ही होगा जीमेल के साथ, अगर नहीं किया हुआ है तो वो कर ले, मतलब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि जीमेल के ऊपर अपना प्रोफाइल और गूगल क्रोम पे अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है, तो ये देखें, उसके लिए आपने गूगल क्रोम पे खोला और मैंने अपने सारे प्रोफाइल्स को सेटअप किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लें, उसको सेटअप करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस यहाँ से एक और अकाउंट ऐड कराएंगे और वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, जैसे राशिद पर्सनल का अकाउंट है, आलू सैनी का अकाउंट है, राशिद मोहम्मद खान के नाम से एक अकाउंट है, NH मुस्लिम टाउन के नाम से अकाउंट है, किसी भी अकाउंट से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जाके राशिद पर्सनल अकाउंट के ऊपर या न्यू लुसैनी के नाम से अकाउंट है इस पर क्लिक किया, तो ये मेरा एक ब्राउजर खुल गया है और ये अथोराइज है और अथेंटिकेट भी है, इसके हवाले से मेरे राशिद वाले अकाउंट के हिसाब से जो द न्यू लुसैनी के नाम से बना हुआ है, ठीक है, इस अकाउंट से अथोराइज है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा, बल्कि लिखूंगा क्या, ये 6-9 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा और नीचे आऊंगा तो यहाँ पे एक सर्विस मिलेगी जिसका नाम है गूगल डॉक्स, तो ये हमें मिल जाएगी
हमें मिलना नहीं चाहिए ये डॉक्स, ठीक है। जैसे इस पे डॉक्स करेंगे तो यूं समझ लें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है, ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो गूगल कंपनी ने बनाया और फ्री है। आपके पास भले कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तब भी ये चलेगा। और अब इस पर काम कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, और जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे तो ये आपके सामने यहाँ से शुरू हो जाएगा इस पर काम होना, ठीक है। तो ये यहाँ पर से आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अब अगर मैं इसको यूज नहीं करना चाह रहा हूँ तो इसको क्लोज कर दें, यहाँ से बंद कर दें, किसी और सर्विस पर यूज करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने इस वाले अकाउंट पर यूज करना चाह रहा हूँ इस वाले पर, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ से मैं जीमेल अपना क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करके यहाँ से गूगल पे जाता हूँ, और गूगल पे जाने के बाद यहीं से वो सर्विस लूंगा जिसका नाम है गूगल डॉक्स। तो यहाँ पे आ गए डॉक्स के ऊपर। इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन एक्टिव चाहिए और बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, वरना अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम डॉक्स को चले गए, तो जैसे ही हम खोलेंगे, समझे जैसे हम यहाँ से वर्ड खोलते हैं ऐसे ही हमारे सामने वर्ड खुल गया, लेकिन ये वेब ब्राउजर के अंदर होगा। अब एक नई फाइल बनानी है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने आ जाएगा न्यू फाइल लेके। अब जैसे ही आपके सामने आ गया यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम, जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे क्या नाम रखना है, जैसे हमने इस फाइल का नाम रख लिया कॉम्पैक्ट फोर और 01, तो ये हमारी फाइल का नाम हो गया और ये सेव हो गई। अब ये सेव कहाँ हुई है, गूगल ड्राइव पर, और आसान अल्फाज है गूगल क्लाउड के ऊपर, सॉरी क्लाउड पर सेव हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद इसको आपने बंद कर दिया, अब इस पर कैसे काम करेंगे, देखिए इसका रिबन है, यहाँ से ये बंद हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे खुल जाएगा। सेम वही ऑप्शन है आपको, कमांड के साथ अंडू रीडू प्रिंट स्पेलिंग चेक जूम लेवल फॉन्ट्स के हेडिंग स्टाइल्स फॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर्स फॉन्ट कलर्स अटैचमेंट और पिक्चर्स वगैरह। मजीद कमांड्स के लिए फाइल में जाएंगे तो यहाँ से आप एक न्यू फाइल ले सकते हैं, इस फाइल को सेव करना है तो ये ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी इसमें, तो सेव का बटन की जरूरत ही नहीं है। शेयर करना है किसी के साथ, ईमेल करना है इस फाइल को किसी को, इसकी कॉपी बनानी है, इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसको वर्ड की फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, इसको वर्ड पेड की फॉर्मेट में करना है, इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस फाइल का नाम चेंज करना है, क्लिक करके यहाँ से चेंज कर लें, यहाँ से चेंज कर लें, इसको किसी और फोल्डर में मूव करना है, इसको डिलीट करना है, ये सारे कमांड्स आपको यहाँ मिलने वाली है। अब कॉपी पेस्ट की कमांड इस मेन्यू के अंदर है, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट वैसे ही काम करेगी जैसे आपने वर्ड में सीखी है। तो अब इसके अंदर जो भी टाइप करना है कर लें टाइप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो जब हम काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो माज़ाकात हमें बहुत सारी चीज़ें तो टाइप करनी पड़ती हैं जो इसमें हम ईजिली टाइप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आइडिया ही नहीं होता हमें। मिसाल के तौर पे अब आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई आपको करेक्शन लिखना है, कोई ऐसा मामला करना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। सपोज टू बी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड ऑफ ईयर के लिए एक न्यूज़लेटर लिखना है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया था AI का इस्तेमाल करना। अब AI जो गूगल हमें ऑफर करता है वो है जेमिनी, और जेमिनी का एक फीचर ये भी आ गया कि वो हर किसी गूगल की सर्विस पे ऐड कर दिया गया है, मतलब वो हर सर्विस के अंदर मौजूद है अलग से भी, और उसको डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है AI को यूज करने के लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके गूगल पे जाता हूँ और यहाँ से गूगल का जो AI है जिसको हम जेमिनी कहते हैं उसको यहाँ से लोड कर देता हूँ, जेमिनी और इंटर कर दिया, ठीक है। जेमिनी पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने जेमिनी आ गया, और जेमिनी में आके हमने यहाँ पे क्लिक करके जेमिनी चैट टू सुपरचार्ज पे क्लिक कर दिया और ये हमें सामने इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास जो जेमिनी है ये एक AI टूल है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है वो हमें इसको बताना है, हम इसको वॉइस में भी बता सकते हैं और हम इसको टाइप पे भी बता सकते हैं, अगर लेकिन बताना इंग्लिश में उर्दू में नहीं बताना। तो हमें क्या करना है, एक कंपनी का न्यूज़ लेटर बनाना है जो कि 2024 का होगा, ठीक है, और कंपनी क्या करती है वो हमें इसको बता देना है। तो क्रिएट न्यूज लेटर फॉर राशिद अल हुसैनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT फॉर द ईयर of 2024 should be professional and relevant. professional hai ha sahi karta hu
रिलेवेंट टू दी सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ राइट बटन करते हैं और यहाँ सब क्लिक करके रिलेवेंट की स्पेलिंग सही कर देते हैं। ये ग्रामरली का एक एक्सटेंशन है जो ये सही करता रहता है। ओके, जल्दी नेक्स्ट। उसके बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पूरा न्यूज़लेटर इसके बना दिया। ठीक, अब हमने क्या करना है, कॉपी करते हैं, वर्ड में लेके जाते हैं, हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा शेयर और यहाँ पे कहेंगे एक्सपोर्ट टू डॉक्स। एक डॉक्यूमेंट बनाएगा ये, ऑनलाइन बना रहा है और उसके बाद आपको कहेगा ओपन करके देख लो। ये बन गया, पूरा बना दिया। ठीक है, सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए, ये पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक बेहतर स्टाइल देना है, यहाँ से टाइटल बना दिया इसको और इसको सेंटर करना है तो अलाइनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज कम कर देना है, सही, और इसका फॉन्ट साइज कितना रखना है, फॉन्ट कौन सा यूज करता है, बहुत सारे फॉन्ट्स इसके पास तो काफी, रोबोटो एमपी, रोबोटिक सारे तैयार हो गया, सही, सारी चीजें सामने हैं, कोई चीज छुपी भी नहीं है। टेक्स्ट का कलर कहाँ से, अंडरलाइन बोल्ड वगैरह सब यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट्स, ड्राइंग्स यू कर देंगे यहाँ से, स्मार्ट चिप्स के भी ऑप्शन हैं, डेट, पीपल, प्लेस, फाइल्स वगैरह, इमोजीज, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से ड्राइंग्स में चले जाएं, न्यू क्लिक कर दें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे करने हैं आपने ड्राइंग्स जो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस तरह के शेप्स चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए, पॉलीगॉन्स बनाएं इसको इस तरह से। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, यहाँ से क्लिक करके इसे जोड़ दें, यहाँ पे क्लिक करके लाइंस, एरोस, कर्व्स, स्क्रिबल्स वगैरह। ठीक है, और शेप्स ही आ गए यहाँ पे, शेप्स कितने सारे किस्म के आ रहे हैं, एरोज आ रहे हैं, सारे शेप्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जो शेप चाहिए आपको उस पर क्लिक कर दें, क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, क्लिक करके इस तरह से डिलीट कर दें, इसको थोड़ा जूम आउट करें, पेमेंट क्लोज कर दें इसको, तो ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया, सही, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन काम हो जाएगा इसके ऊपर, आप इस पर थोड़ा काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लाइन स्पेसिंग वगैरह इसके हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट मस्ट बी कनेक्टेड, इसके बगैर तो ये नहीं चलेगा। इसका ऑप्शन आ रहा है सजेस्ट एडिट्स, एड कमेंट्स, एड इमोजी रिएक्शंस, ये सारे ऑप्शन इस पर आ रहे हैं। और यहाँ पे आ जाए ऑल इमेजेस सेंटर्ड एडिट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एडिट के ऊपर कोई चेंजेस वगैरह करनी है इसके अंदर, क्लिक करें इसके ऊपर, ये सारी आ रही है ऑप्शंस, इसके ऊपर क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्लोज, बाहर आ जाए इससे। तो ये कि काफी हद तक काम हम इससे कर सकते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट भी सेव हो चुका है। तो अब ये सेव कहाँ हो रहा है इसको देखें, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ ये कहाँ सेव हुआ है, तो उसको देखने के लिए आपको जाना होगा गूगल ड्राइव पर, क्योंकि गूगल की अलग सर्विस है। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लिक किया ड्राइव के ऊपर और जैसे ही ड्राइव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ड्राइव लोड होना शुरू हो जाएगी, ये लोड हो गई ड्राइव। अब ड्राइव पे जितना भी डेटा आप ऑनलाइन बनाते जाएंगे वो सारा इसका सेव होता जाएगा। और यहाँ पे अभी जो हमने बनाया था वो देखिए यहाँ सेव है, उसको खोल के देखना डबल क्लिक करके, तो दोबारा एक नए ब्राउजर पे खुलेगा और उस पर वो आपका डॉक्यूमेंट सारा नजर आ रहा होगा। बैक कर लेते हैं तो यहाँ से क्लोज बैक हो जाएगा,
और अभी हम कहाँ पर ड्राइव पर है, यहाँ से क्लिक करके हम उसको बंद करते हैं फाइल को। अच्छा, अब उसके बाद अगर ड्राइव के ऊपर रहते हुए पूरा फोल्डर बनाना, तो न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करना है फाइल फोल्डर, न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बन जाएगा जैसे कॉम्पैक्ट फोर फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। वो फोल्डर नजर आएगा आपको ड्राइव के अंदर, जैसे ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर नजर आएगा, ठीक है, कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कॉम्पैक्ट फोर फाइल्स। अब मिसाल के तौर ये वाली फाइल जो बनाई है हमने, जो अभी होम में जाके देखते हैं, ये हम अपने फोल्डर में रखना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज में जाएंगे, मूव का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे मूव के ऊपर, तो वो हमसे पूछेगा कहाँ मूव करना चाह रहे हो, तो हम इसको बताएंगे हम कहाँ मूव करना चाह रहे हैं। तो कह रहा है देखो तुम्हारे पास ये फोल्डर बने हुए, किस पे मूव करना है, मैंने कहा इस फोल्डर पे मूव करना है, तो हमारी फाइल वहां से निकल के उसमें चली गई। अब उस फोल्डर में जाके देखते हैं माई ड्राइव में गए, कभी कभार नहीं मिल रहा होता कोई चीज, तो यहाँ पे क्लिक करके कॉम्पैक्ट फोर लिख दे, सर्च करने में बातों का दिक्कत हो रही है, दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा होता है, ये आ गया फोल्डर, तो डबल क्लिक करेंगे, ये दिखा रहा है आपकी फाइल यहाँ रखी है, ठीक है, फाइल को दोबारा खोलना, डबल क्लिक करें पीएचपी सर्विस का दोबारा खोल देगा। अब जो भी चेंजेस करनी है यहाँ कर ले। अब अगर आपको इस फाइल को ईमेल करना है तो यहाँ से जाएंगे फाइल, और फाइल पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, और यहाँ से हम करेंगे उसको ईमेल, तो किसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। पर आज याद है अपना ईमेल, ईमेल याद है, चलो मैं अपने ईमेल पे भेज लेता हूँ, या फातिमा के नाम से, तुम्हारे पास है ईमेल फल की, बताओ वैसे बस कबीर कबीर ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया @gmail.com, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट जो लाइन रखनी है रख ली, और इसकी कॉपी अपने आप को भी सेंड कर ली, ठीक है, ओके। अब डी से आ जाए, इसको किस फॉर्मेट में भेजना है, पीडीएफ वर्ड में भेजना, हाँ ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, ओके। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फाइल किसको भेजनी है, पीडीएफ बना के भेजनी है, रिच टेक्स्ट भेजनी है, ओपन डॉक्यूमेंट भेजना है, किसको भेजना है। मैंने कहा इसको ऐसा करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बना के भेज दो, और यहाँ से मैंने इसको भेज दिया, हेलो प्लीज फाइंड दिस अटैच डॉक्यूमेंट, ठीक है, और यहाँ से इसको हमने वर्ड के अंदर बना के सेंड करना है, वो सेंड हो नहीं रही, क्या कह रहा है, क्या मसला है इसको, ये ठीक भी लगा दिया, अगर ऐसा करवाना हो कि अपने वर्ड हमने कहा ये फाइल वो हमने इस पे लानी है, वो कुछ करें बता रहा हूँ, आई नहीं रहते हो जाएगा ही, ऐसे एक दफा में नहीं हो पाया हो जाएगा,
शायद कोई इंटरनेट का इशू इसलिए नहीं हो रहा, वरना यहाँ से सेंड करेंगे और ये सेंड हो जाएगा। अब आती है बात कि भाई ये फाइल जो है अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करेंगे। इस फाइल को खोलेंगे, फाइल में जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अगर वर्ड की फाइल की सूरत में चाहिए तो वर्ड पे क्लिक करेंगे, अगर पीडीएफ फाइल की सूरत में चाहिए तो यहाँ से जाके इसको पीडीएफ करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करके वर्ड की फाइल में चाहिए तो वर्ड जाएंगे। अब ये सब जाके दबा हुई यहाँ पर, ये हमें यहाँ नजर आ रही है। अब ये जो इसके अंदर आई है फाइल, इसको डायरेक्टली हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं वर्ड के अंदर। ये देखिए, ठीक है, तो सारा बना बना डॉक्यूमेंट ऐसे आ गया। ये भी फाइल डाउनलोड, फाइल में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपनी वर्ड की फाइल इसमें डालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए आसान तरीका है, पहले इसको बंद कर दे क्योंकि इसका काम नहीं है, प्रिंट वगैरह कर ले। उसके लिए आप चले जाएं अपने वर्ड गूगल ड्राइव के ऊपर। ये आ गए गूगल ड्राइव पे, हमने अपना फोल्डर तो बना ही रखा है, फोल्डर के अंदर ही है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू, और न्यू के बाद दो ऑप्शन है, फाइल फोल्डर अपलोड और फोल्डर अपलोड। एक फाइल है कोई यहाँ से अपलोड कर ले, और एक फोल्डर है जिसमें जितनी भी फाइल थे वो यहाँ से अपलोड कर ले। और अगर कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पे क्लिक करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फ्रॉम टेम्पलेट, तो आप कहेंगे फ्रॉम अ टेम्पलेट। अब इस पर क्लिक करके ये आपको ले जाएगा इस जगह पर, तो यहाँ से कोई टेम्पलेट में डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, लेकिन हमें तो लेना है पूरा वर्ड का डॉक्यूमेंट। पूरा वर्ड का डॉक्यूमेंट लेने के लिए कहेंगे फाइल अपलोड, फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे। कहाँ पे, किस में आया, गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में न्यू, और यहाँ पे कहेंगे फाइल अपलोड। जैसे ही फाइल अपलोड करेंगे तो मेरे पास जो भी वर्ड की फाइल है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, वर्ड वर्ड फाइल्स, और इसके अंदर से जो भी फाइल मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से चूज करूंगा। जैसे कि एडमिशन एट चले क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा तो वो फाइल इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। जब वो इस फोल्डर में आ जाएगी तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं गूगल डॉक्स के। ठीक है, सही है लकी, समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से डेटा गूगल ड्राइव पर डाल दें ताकि किसी भी कंप्यूटर पर जाके इसको आप एक्सेस कर सकें। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी और के कंप्यूटर पर मुझे अपना जीमेल आईडी से यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखो, अगर मेरे लैपटॉप पे आप जैसे ही इसको यूज़ करना चाहोगे तो आप अपना जीमेल का आईडी लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी आईडी लगा हुआ है। और अगर आप अपना आईडी लगा दोगे तो आपका आईडी पासवर्ड मेरे लैपटॉप में रह जाएगा। इस सबसे बचने के लिए फॉर द टाइम बीइंग किसी के भी लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आपको अपना काम करना है, भले उसका काम खुला हुआ सेटअप हो रहा है, तो यह थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे न्यू इन कॉग्निटो विंडो। जैसे इस पे आप लेंगे तो ये गूगल क्रोम ब्लैक कलर का आ जाएगा। अब गूगल क्रोम एक बिल्कुल न्यूट्रल गूगल क्रोम है जो किसी का भी प्रोफाइल सेटअप नहीं है। दूसरा, इस इग्निटो मोड का फायदा यह है कि किसी हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, मतलब आप गूगल पर जाके क्या सर्च करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, कैसे जाएंगे, देखो इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। थ्री डॉट्स पे जाते हैं, यहाँ से न्यू इनकॉग्निटो में जाएंगे। ठीक है, अब जो भी आप करेंगे इस पे एक्टिविटी वो रिकॉर्ड नहीं होगी और ना ही पासवर्ड सेव होंगे। तो इस तरह से सेफली आप अदर डिवाइसेस पे अपने काम को कर लेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं जीमेल आप खोलेंगे भी तो वो सेव नहीं होगी इसके ऊपर, नहीं खोलना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो ये सर्विस का आप यूज ही नहीं कर सकेंगे। जीमेल पे जाएंगे तो कहेगा अकाउंट से लॉगिन करो, हाँ फिर ही आप यूज कर सकेंगे, लेकिन इसका हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी। हाँ।